हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेटिन में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर प्रोफार्मा पी बताओ। तो प्रोफार्मा पी क्या होता है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ती है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिस्क्रिप्शन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बाजू दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, यानी कोई भी मैंने ऐसी नई अपडेट डाली तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे आपको पता है जो रजिस्ट्रेशन डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो चुके है 24th of December। तो आपके लिए और 7 दिन का टाइम बढ़ गया है, आप 24th of December तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि प्रोफार्मा पी क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि दो टाइप के सीट होती है, एक होती है स्पॉन्सर सीट, एक होती है नॉन स्पॉन्सर सीट। जो लोग स्पॉन्सर सीट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए प्रोफार्मा पी होता है, यानी आप अगर किसी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आप स्पॉन्सर कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोफार्मा पी फिल करना है पड़ता है। तो प्रोफार्मा पी का फॉर्मेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है, साथ ही साथ आप कौन से कंपनी में काम करते हैं उसका भी आपको यहाँ पे नाम डालना है, कौन से डेट से करते हैं डेट डालनी है, और साथ ही साथ आप कौन से स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी एमई, एमटेक, एमफार्म किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको मेंशन करना है, और साथ ही साथ यहाँ आपको अपनी डेट प्लेस एंड आपकी सिग्नेचर और आप कौन से पोस्ट पर है वो डाल के आपका स्टैम्प लगा के फोटो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर, अपने कलीग, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।